पुलिस थाना सलेंडाबरी के दीन आते मोहल्ला पीरू बंदा में गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। वही प्रॉपर्टी के कब्जे को लेकर प्रॉपर्टी एडवाइजर के घर आकर 10-12 लोगों ने ईंट पत्थरों व डंडों व राडों से हमला करके प्रॉपर्टी एडवाइजर को घायल कर दिया। वही सीसीटीवी में ईंट डंडे मारते और अपने कपड़े आप फाड़ते हुए नजर आए आरोपी। वही जानकारी देते हुए राजन वर्मा ने बताया कि पिछले 3 साल पहले 50 गज जगह दूसरे पक्ष ने आधे रुपए देकर रजिस्ट्री करवाकर अपना कब्जा साथ ले लिया था और 1 साल 6 महीने बाद जब पीड़ित ने बाकी की रकम मांगी तो दूसरे पक्ष ने कहा कि हमने ये प्लाट नहीं चाहिए, कोई दूसरा प्लाट दे दो। वही जिसके चलते आरोपियों ने 10-12 लोगों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी एडवाइजर के घर पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। वही इस मौके पर कुछ महिलाएं भी अपने कपड़े फाड़ते हुए सिविल अस्पताल में उपचार के लिए चले गए। वही ये सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वही पीड़ित ने बताया कि थाना सलेंडाबरी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और मोहल्ला निवासियों ने इकट्ठे होकर बाहर से गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं लोक भलाई का ही काम करता, मैं जिन्हों को सिर छत नहीं मैं उन्होंने फ्री की जगह भी दी है ज मैं सस्ती जगह दे देना है। इदे मैं मान सिंह उन्होंने जगह 1-3 लाख रुपये लैके दिती सी, तो उन्होंने मेरे अजे तक 1,55,000 दिते नहीं सके। वो कहते सू कब्जा दे दौ, तो मैं जिस बंद को जगह लैके दिती सी वो बंदे कहते जी साडा अज एतवार है, वह क्रिश्चन से कहते जी साडा सत्संग है तो साढ़े को सोमवार को जगह मतलब तो ना दे देने हैं। तो यह पता नहीं की अपनी पलानी चाहिए इन्होंने आते सारे मैंने घर बैठे उत्ते ही सिर पर अटैक किया है, तो मेरी जनानी ने कपड़े फाड़ के गल च चैनी खिंच के लै गए है। तो हूँ इन्हें पूरी गुंडागर्दी की, जिड़ी यदि मास्टर माइंड है वो साढ़े इतने महल्ले से ही कप्ता है, उन्हें अपने घरों ही सारे हथियार चुकवाए ने, तो सारे ने मेरे सिर उत्ते डांगा मारियां, मेरे लत्ता से जान लेवा हमला मेरा पूरा किया है। ये मेरे को तकरीबन इन्हें 16-17 बंदे से जिस 8-9 जनानियां सगिया, जेले बंदे का क्वेश्चन चलिया तो जनानिया ने अपने कपड़े फाड़ के जेले के साढ़े को महल्ले सीसीटीवी कैमरे वो सानू फुटेज मिली सी, तो नहीं तो इन्होंने तो मैं फसाण का पूरा प्लान बना लिया। कपड़े फाड़ के ये सिविल जाके दाखिल हो गई है बुढ़ी, तो ये मुंडे ने ही ये कपड़े पाड़े ने, एक जनानी होर सी उन्होंने इन्हें कपड़े पाड़े ने। इस तरह इन्होंने कानून भी गुमराह करने लिए मैनू बसाने लिए अपनी पूरी साजिश रची है। जी गुंडागर्दी है सही नहीं हैगी, जोड़ा भी लैन देन हैगा बह के भी असं इन्होंने क्या कर सकते हैं, लाठीचार्ज इन्होंने बहुत किया वा, तो जो भी इन्होंने किया इन्होंने मर मरी जिक्र किया, इन्होंने कपड़े फाड़े सब कुछ किया है। पता नहीं है इधर इन्होंने साढ़े इतने रेंदे रिश्तेदार इन्होंने कविता है उन्होंने रिश्तेदार से जागृति लैके लिए लुधियाना से विपिन जवाहर की रिपोर्ट।